शिवा। आइए सुनते हैं बुध प्रदोष व्रत कथा, पूजन विधि, महत्व। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह में प्रदोष व्रत दो बार आता है, एक शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष में। इसे दिन के नाम के अनुसार अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे सोमवार को आने पर सोम प्रदोष, वैसे ही बुधवार को पड़ने पर बुध प्रदोष कहलाता है। इस व्रत को बुध प्रदोष कहा गया है। इस दिन देवों के देव महादेव यानी कि भगवान शिव की पूजा की जाती है। माना जाता है कि प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति को संतान सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है, साथ ही मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और उन्हें शिव धाम की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से सुहागिन नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है। इस व्रत को जो भी स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर करते हैं उनकी सभी कामनाएं महादेव पूरी करते हैं। आइए जानते हैं पूजा विधि और मुहूर्त। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठें, स्नान आदि के बाद व्रत का संकल्प लें, घर के मंदिर की सफाई करें और शिव जी की पूजा करें। संभव हो तो इस दिन शिवालय जाकर पूजन करें। पूरे दिन अंतर्मन में ओम नमः शिवाय का जप करें। शाम को पुनः स्नान कर स्वच्छ श्वेत वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल अथवा पूजा गृह को शुद्ध कर लें। प्रदोष व्रत की पूजा शाम 4:30 बजे से लेकर 7 बजे के बीच करें। पूजन विधि, एक कलश अथवा लोटे में शुद्ध जल भर लें और शिवलिंग को चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए शिव जी को जल अर्पित करें। कुश के आसन पर बैठकर शिव जी की पूजा विधि विधान से करें। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर शिव जी का ध्यान करें। ध्यान के बाद बुध प्रदोष की कथा सुनें और सुनाएं। पूजन में धूप, दीप, घी, सफेद पुष्प, सफेद फूलों की माला, आकड़े का फूल, सफेद मिठाइयाँ, सफेद चंदन, सफेद वस्त्र, कपूर, बेलपत्र, धतूरा, भांग, हवन सामग्री, आम की लकड़ी आदि शामिल करें। हवन सामग्री मिलाकर 11 या 21 या 108 बार ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दें। इसके बाद शिव जी की आरती करें, उपस्थित जनों को आरती दें, सभी को प्रसाद वितरित कर बाद में भोजन करें। भोजन में केवल मीठी सामग्रियों का ही उपयोग करें। ओम नमः शिवाय कहते हुए शिव जी को जल अर्पित करें। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर शिव जी का ध्यान करें। ध्यान का स्वरूप करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान, त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले पिंगलवर के जटाजूटधारी नीले कर्ण तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित बरदहस्त त्रिशूलधारी नागों के कुंडल पहने व्याघ्र चर्म धारण किए हुए रत्नजड़ित सिंहासन पर विराजमान शिवजी हमारे सारे कष्टों को दूर कर सुख समृद्धि प्रदान करें। ध्यान के बाद बुध प्रदोष की कथा सुनें। कथा समाप्ति के बाद हवन करें और भगवान शिव को आहुति दें। आइए सुनते हैं बुध प्रदोष व्रत कथा। सूत जी बोली, अब मैं आप लोगों को बुधवार त्रयोदशी व्रत की कथा सुनाता हूँ। इस व्रत के दिन केवल एक ही समय भोजन करें, हरी वस्त्र पहने और हरी वस्तुओं का सेवन करें। प्रातःकाल उठकर नित्य क्रम से निवृत्त होकर शंकर जी का पूजन
धूप दीप बिल पत्र से करें। प्राचीन काल की कथा है, एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौने के बाद दूसरी बार पत्नी को लिवाने के लिए अपनी ससुराल पहुंचा और उसने सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर ने साले सालियों ने उसको समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं है, लेकिन वह पुरुष नहीं माना। विवश होकर सास ससुर को अपने जमाता और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर से बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी पराये पुरुष के साथ लोटे में लाए हुए पानी को पीकर हंस हंस कर बात कर रही है। वह पराया पुरुष बिल्कुल इसी पुरुष के शक्ल सूरत जैसा ही था। यह देखकर वह पुरुष दूसरे अन्य पुरुष से क्रोध में आग बबूला होकर लड़ाई करने लगा। धीरे धीरे वहां काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। इतने में एक सिपाही भी आ गया। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि सच सच बता, तेरा पति इन दोनों में से कौन है? लेकिन वह स्त्री चुप रही, क्योंकि दोनों पुरुष हम शक्ल थे। बीच राह में पत्नी को इस तरह लुटा देखकर वह पुरुष मन ही मन शंकर भगवान की प्रार्थना करने लगा। कहा, हे भगवान, मुझे और मेरी पत्नी को इस मुसीबत से बचा लो। मैंने बुधवार के दिन अपनी पत्नी को विदा कराकर जो अपराध किया है उसके लिए मुझे क्षमा करो। भविष्य में मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। श्री शंकर भगवान उस पुरुष की प्रार्थना से द्रवित हो गए और उसी क्षण वह अन्य पुरुष कहीं अंतर ध्यान हो गया। वह पुरुष अपनी पत्नी के साथ सकुशल अपने नगर को पहुंच गया। इसके बाद से दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार प्रदोष व्रत करने लगे। बोलो उमापति महादेव की जय, भोले शंकर की जय।